हम इस टाइम है देवांगना कोल्ड स्टोरेज तिरवा में, और हमारे क्षेत्र के लोगों की ज्यादातर हसरत होती है कि राजा साहब को देखने नहीं मिले। आज हम राजा साहब के दर्शन कराते हैं। बड़े भाग से आए तो कोल्ड में 3-4 बार, लेकिन राजा साहब के दर्शन नहीं हुए। आज हमारे साथ राजा साहब भी हैं। आइए चर्चा करते हैं मैनेजर साहब, हालांकि राजा साहब को जानकारी आलू के विषय में नहीं है, मैनेजर साहब हैं और व्यापारी महोदय हैं, इनसे चर्चा करेंगे। राजा साहब से आपके लिए अपने लिए कुछ शुभकामनाएं इसमें थोड़ा बुलवाना चाहेंगे। सर कुछ बोलिएगा जनता के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपना आलू जल्दी से जल्दी निकाल लें कोल्ड स्टोरेज से, क्योंकि दाम किसी भी दिन गिर भी सकता है। सारी मंडियां खुल गई हैं, दाम गिर रहे हैं, तो खाली कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा अनुरोध है। तो कुल मिलाकर के राजा साहब का कहना है कि किसानों को संदेश है, जो भी किसानों का व्यापारियों का आलू बचा हुआ है वो अब निकालने समय अनुकूल है, रेट भी बढ़िया है, बेचने में ही भलाई है, क्योंकि आने वाले समय में अगेती फसल भी आ रही है, तो हो सकता है रेट कुछ डाउन हो जाए। और जैसा कि आपका कहना है कि मंडियां भी सब खुल गई हैं, इधर बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भी खुल गया है, तो रेट कोई खास बढ़ने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, रेट के विषय में कुछ नहीं बताया जा सकता। हमारे साथ व्यापारी महोदय हैं जो बहुत अनुभवी हैं, इनसे चर्चा करेंगे। भैया शुभ नाम? महेश बाबू। महेश बाबू, जो कि कच्ची में खूब आप अवगत होंगे, कच्ची फसल में आप खूब वीडियो बनाते रहे आपका। महेश बाबू से पूछना चाहेंगे, सर क्या स्थिति है आलू? स्थिति 100 रुपया से लेकर 700 रुपया तक है आलू। 700? कौन सा आलू? हाईलैंड। अच्छा, हाइब्रिड आलू क्या रेट बिक रहा है? हाइब्रिड 300 से 400 तक। और कंचन? कंचन 500 550। सिंदूरी? सिंदूरी यही। क्या आलू 1500 रुपया पैकेट बिकेगा? नहीं भाई, सवाल है नहीं, जब 700 रुपया पैकेट अब 1500 कहीं से 60 हो रहा आलू बता रहे लोग। अरे 60 कहीं नहीं हो रहा आलू, ढेर लगा है यार, लगा 60 नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर के जैसा कि राजा साहब ने कहा बेचना चाहिए, तो हकीकत में आलू बेचना चाहिए। हमारे साथ मैनेजर साहब हैं, मैनेजर साहब से थोड़ी जानकारी लेंगे कि स्थिति क्या है निकासी की। निकासी की सर स्थिति बताइए। निकासी की स्थिति इस समय स्लो चल रही है थोड़ी। स्लो है जी। कोल्ड में आलू कितना रह गया सर? कोल्ड में मेरे यहाँ 18,000 के समथिंग है। क्षमता कितनी है कोल्ड? 2.25 लाख। यानी कि आकलन किया जाए तो 6-7% रह गया। बिल्कुल सर। तो मैनेजर साहब एक बात बताओ, जब आलू कम रह गया तो आगे रेट बढ़ने के चांस है? रेट कहाँ से बढ़ेंगे, अभी 15-20 दिन का तो आलू है ही है, अभी 15-20 दिन का स्टोर में आलू है जी, और 15 दिन बाद कच्ची का आलू हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, हो जाएगा सर। तो कोई खास रेट बढ़ने वाले नहीं है, जैसा कि मैनेजर साहब भी बता रहे हैं। आपका शुभ नाम भैया? पवन राजपूत। व्यापारी हैं आप जी? तो बताइए सर, आज की तारीख में आलू क्या स्थिति है? आज की तारीख की स्थिति आगे खराब ही चांस लग रहे हैं। खराब हो? अच्छा, कुछ लोग पोजीशन डाउन ही होगी। कुछ लोगों का अनुमान है कि जैसे 20 तारीख के बाद 60 होगा माल तो रेट बढ़ेगा। नहीं 60 नहीं होगा। 60 नहीं होगा? नहीं नहीं 60 नहीं। काफी कोल्डों में हमने विजिट किया कन्नौज में, 3-4 कोल्डों में गए तो पता यही चला 8% 7%, और जबकि अभी टाइम बहुत है। नहीं 60 नहीं, नया आलू चालू हो गया, पंजाब वाला भी आलू आ गया, यूपी में भी आलू आ गया, नया आलू पंजाब। पंजाब कितने दिन चल जाए? पंजाब चलेगा, पंजाब के बाद अपने यहाँ लोकल सब नाली सब इलाका तैयार आलू हो गया, वर्षा के पहले वाला आलू सब मारा नहीं गया, आलू तैयार है। आज हम विजिट किए खेतों में भी गए, देखा लगभग 20 दिन बाद हमारे अनुमान से आलू की कमी नहीं है, आलू पर्याप्त है, और मंडियों में जाम लगा है इसलिए आलू के रेट डाउन हुए। जाम होने के कोई अब खुलने के चांस नहीं, आलू डाउन नहीं होने के चांस, डाउन होने चांस नहीं। तो कुल मिलाकर के जिन किसानों के पास अभी भी माल है, रेट को और समय को देखते हुए उनको आलू निकालना चाहिए, ऐसा आपका भी कहना है। आपका भैया शुभ नाम? चरणजीत सिंह। आप क्या करते हैं सर? किसान है सर। किसान है। ये आज कोल्ड आए थे, किस लिए आए थे? आलू देखने आए थे। तो आलू अभी है अपने पास? हाँ, थोड़ा। कितना पड़ा है? लगभग 30 कट्टी बचा है। 30 कट्टी है। राजा साहब तो कह रहे बेच लेना चाहिए। हाँ बेच रहे हैं, आधा आलू ले जाएंगे, 15 कट्टी हम सोचे खेत खाली दानी वाला हुआ। अच्छा अच्छा। और 15 बेच लें तो आप राजा साहब के कोर्ट में रखते हैं? जी सर जी। हम भी सर बस्ता के रहने वाले हैं, हमारे भी राजा साहब हैं, तो आज हमने बड़ा अहो भाग्य समझा जो दर्शन हुए हैं। तो कुल मिलाकर के देवांगना कोल्ड स्टोरेज की हमने आपको स्थिति अवगत कराई, आने वाले समय में आलू की स्थिति क्या बनने वाली है व्यापारियों ने, मैनेजर ने और हमारे अन्नदाता ने अवगत कराया।